राष्ट्र आज मना रहा है 68वां स्वतंत्रता दिवस। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर फहराया तिरंगा। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा सरकारी विभागों में कार्य संस्कृति में बदलाव लाना उनकी प्राथमिकता है। कहा वे इस बदलाव को लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कम मेक इन इंडिया का दिया नारा। देश में ही वस्तुओं के निर्माण और कौशल विकास पर दिया बल। कहा पूरी दुनिया में दिखाई दे मेड इन इंडिया के लिखे उत्पाद। देश की तरक्की और रोजगार सृजन के लिए निर्माण क्षेत्र पर ध्यान देने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने की जनधन योजना की घोषणा। जनधन योजना के माध्यम से देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट योजना से जोड़ने का किया ऐलान। स्वच्छ ग्राम और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा। कहा प्रत्येक सांसद अपने कार्यकाल में कम से कम 5 गांवों का करे विकास। नरेंद्र मोदी ने कहा 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर आदर्श ग्राम योजना का ब्लूप्रिंट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं करें कन्या भ्रूण हत्या। लिंग भेद को खत्म करने की अपील। महिलाओं को सुरक्षा और गरिमा देने का किया ऐलान। कहा समाज और परिवार को भी निभानी होगी अपनी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और सरकारों का आभार जताया। नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि विपक्ष सहित सभी को आगे लेकर आगे बढ़ना चाहती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। देश भर में मनाया गया 68वां स्वतंत्रता दिवस। राज्यों की राजधानियों में भी किया गया ध्वजारोहण। लोगों की तरह वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने भी बनाया आजादी का जश्न। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन का प्रमुख लक्ष्य देश को विश्व गुरु बनाना है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण ने देशवासियों के दिलों को छुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के द्वारा एक सामाजिक आंदोलन खड़ा किया है।